सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार हम लोग WBJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रैंक वर्सेस कॉलेज वर्सेस मार्क्स, सबसे पहले तो मैं कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, उसके बाद कितने रैंक पे कितने मार्क्स और फिर कौन से कॉलेजेस आप लोगों को मिल सकते हैं उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, JEE AB 360। ये मेरी ही एप्लीकेशन है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसे डाउनलोड किया है। इसे मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके हम लोग अभी देखते हैं कि क्या क्या रैंक पे क्या क्या मार्क्स या क्या क्या मार्क्स पे क्या क्या रैंक हम लोगों को मिल सकती है। बहुत सारे न्यूमरस फीचर्स दिए गए हैं, इनमें से जो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है हमारा रैंक प्रिडिक्टर। हम लोग रैंक प्रिडिक्टर में जाएंगे, यहाँ हम लोगों को 3 ऑप्शन नज़र आती है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है, लेकिन अभी हम लोगों का काम है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का। हम लोग वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, अब हम लोग देखते हैं कि कितने मार्क्स पे हम लोगों को कितनी रैंक मिल सकती है। देखो यार, यहाँ पे जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये डेटा पिछले 3-4 सालों को एक एवरेज लेके बनाया गया है। हो सकता है कि यहाँ पे सपोज अगर 100 मार्क्स में डालता हूँ यहाँ पे 600 रैंक आती है, हो सकता है कि आपने जब एग्जामिनेशन दिया तो 100 मार्क्स पे आपकी 300 रैंक आ जाए, क्योंकि पेपर टफनेस पे भी रैंक वर्सेस मार्क्स डिपेंड करता है, कितना टफ है कितना इजी है, कितने सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत वैरी कर सकती है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता ये कभी, ठीक है। हम लोग सबसे पहले डाल के देखते हैं, सपोज अगर किसी बच्चे को 200 मार्क्स की एग्जामिनेशन हुई और 125 मार्क्स आते हैं तो उसकी रैंक क्या होगी। तो रैंक आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, 179 रैंक उसकी आ जाएगी। अच्छा, अब हम लोग इसे यहाँ पे थोड़ा ओमिट करते हैं और ओमिट करके हम लोग फिर एक कोई नंबर डाल के देखते हैं। सपोज अगर किसी बच्चे को 105 नंबर आता है तो उसकी क्या रैंक बनेगी, उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 100 रैंक के ऊपर हमने क्लिक किया तो अगर आपके 105 नंबर आती है तो 400 से 450 के बीच में आपकी रैंक वो बन सकती है। इसे भी हम लोग अभी एक बार ओमिट करते हैं फिर से और फिर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, अगर किसी बच्चे को 95 मार्क्स आता है तो उसकी क्या रैंक बनेगी। आप लोग नोट करते जाना कि किस नंबर पे क्या रैंक बन रही। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके ही देखना है फिर तो अलग बात है, बट सीख लो कि किस तरीके से करते हैं। तो 95 मार्क्स पे आपके तकरीबन 928 रैंक, 900 से मतलब 1000 रैंक के बीच में आपका बनेगा। एक और बात ध्यान रखना है, जो भी बच्चे WBJEE की एग्जामिनेशन देते हैं उनका टारगेट बेसिकली जादवपुर का होता है, पहला टारगेट जादवपुर का होता है। फिर उसके बाद तो काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि IEM हो गया, हेरिटेज हो गई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, KGEC हो गई, तो बहुत सारे। अच्छा, किसी का अगर मैं नाम भूल गया हूँ तो माफ़ करना, ऐसा नहीं कि मैंने इंटेंशनली किसी का नाम बोला है, बट 2-4-5 कॉलेज जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने नाम बताया, जैसे जादवपुर, IEM, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, KGEC, मकाउड, हेरिटेज, टेक्नो इंडिया, ये सारे कॉलेजेस हैं ना। अच्छा, अगर आपको जादवपुर में चाहिए होगा तो उसके लिए फिर यार आपको कितने रैंक लाने पड़ते हैं, 1000 रैंक, 1100 रैंक। अच्छा, उसकी जो पीछे वाली ब्रांचेज आती है जैसे कि प्रिंटिंग हो गई या फिर फूड टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें कभी कभी होता है कि 1500-1600 तक भी रैंक चली जाती है। एक बार तो मुझे याद आ रहा है कि 2-3 साल या 4 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था कि 2000 से भी पीछे प्रोडक्शन की चली गई थी, बट वो रेयर केस में होता है ना। अगर आपको जादवपुर में चाहिए तो 1000 तक तो रैंक लानी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 90 से ज़्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे एक तरीके से सोचूँ तो। अगर आपको सपोज कि 90 मार्क्स आती है तो कितनी रैंक बनेगी, 100 रैंक। 90 मार्क्स अगर आपकी आती है तो आपकी रैंक बनेगी लगभग 1300 के करीब, मतलब 200 में 90 मार्क्स लाना इतना जितना आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं होता WBJEE के एग्जामिनेशन में, क्योंकि टाइम की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर दिक्कत आती है ना। अब हम लोग देखते हैं अगर किसी बच्चे को 70 मार्क्स आती है तो उसकी क्या रैंक बनेगी। तो 70 मार्क्स अगर आती है तो रैंक बनेगी आपकी 4254। देखो, 90 मार्क्स पे 1300 रैंक और 70 मार्क्स पे बनी है 4254 रैंक, तो कितना का डिफरेंस आ गया। तो जैसे ही नंबर कम होता जाएगा आपका वहां पे कंपटीशन बढ़ती जाएगी। क्या मैंने बोला, फिर से रिपीट करो, नंबर आपका कम होगा वहां पे कंपटीशन बढ़ेगी। तो रैंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, 8000 रैंक। अब 70 रैंक पे आपकी 4500 रैंक बन सकती है और 55 मार्क्स अगर आपकी आएगी तो 8000 से 9000 के बीच में रैंक हो गए। तो यहाँ पे देखो 25 मार्क्स आते हैं तो आपकी क्या रैंक बनेगी, अगर आपकी 25 मार्क्स है तो आपके यहाँ पे रैंक दिख गई 23000। अच्छा, ये मैंने क्या बोला फिर से बताऊँ, ये मैंने 2-3 साल की एवरेज डेटा को लेकर बनाया है, विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है ना, विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, कोड है, एल्गोरिथम रन कर रही है अंदर में, उसके हिसाब से ये दिखा रहा है। ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, बट हाँ समवाट आप बोल सकते हो कि एक्यूरेट हो सकता है। 2020 वाले को एक्सेप्शन मान के चलना आगे नहीं सकते। तो मैं कॉलेज प्रिडिक्टर में आऊँगा, डिफरेंट कॉलेज प्रिडिक्टर दी गई है, बीटेक के लिए, बीआर के लिए, कॉमेट के लिए, जेईई एडवांस के लिए, सारी चीज़ों के लिए दी गई है। आप भी यूज़ करने वाले हो, आज नहीं तो कल यूज़ करोगे ही करोगे इस एप्लीकेशन को। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में जाते हैं। एक और बात यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए है। पहली बात तो ये कि जो भी बच्चे OBC, SC, ST, EWS हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो, अगर आप जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी है, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तब तो आपको आपकी कैटेगरी की फायदा मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप OBC हो और वेस्ट बंगाल से हो तो आपको वहाँ पे फायदा मिल सकता है वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC कुछ भी हो और अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हो, सपोज आप बिहार से हो, UP से हो, महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो अदर देन वेस्ट बंगाल, तो आपको उस चीज़ का फायदा नहीं मिलेगा। तो आप जो भी बच्चे अदर स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल के
अलावा किसी स्टेट से, तो आप लोग ओपी सेलेक्ट कर लेना। ओपी का मतलब होता है ओपन कैटेगरी, तो आप यहाँ पे ओपी सेलेक्ट कर लेना, ओपन कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे रैंक डालता हूँ, सपोज अगर मेरे 250 रैंक आते हैं और इंटर मोड, तो पूछ रहे हैं कि आपको जो रैंक देखनी है, कॉलेज देखनी है, वो WBJEE के रैंक के हिसाब से देखनी है या फिर JEE मेंस की रैंक के हिसाब से। तो मैं तो भाई WBJEE सर्च किया और प्रिडिक्ट कॉलेज के ऊपर गया। अगर 250 रैंक आ रही है तो मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल मिल सकती है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिल सकती है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, मेटलर्जी, सारी चीज़ें। अब नीचे में जो जो कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे दिखा दिए कि मुझे 250 रैंक पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। अब 250 के लिए कितनी मार्क्स चाहिए वो तो आप वहाँ पे जाके देख ही सकते हो, जो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले दिखाया था। तो इसी तरीके से आप लोग, जैसे कि अब किसी बच्चे को सपोज बोल देता हूँ 500 रैंक आई है और 500 रैंक में वो ओबीसी है, ओबीसी भी मान लेता हूँ, ओबीसी है। ओबीसी का मतलब क्या है कि वो बच्चा वेस्ट बंगाल में है और वो ओबीसी है और उसकी 500 रैंक आई है। तो प्रिडिक्ट कॉलेज के ऊपर हम लोग जाते हैं, तो उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। सोचो 500 रैंक है आपकी, और अगर आप ओबीसी हो, वेस्ट बंगाल से ओबीसी भी हो, तो आपको जादवपुर में ईसीई मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जाके आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने 500 दिखाया, आप यहाँ पे 5000 डाल के देख लो, जनरल कैटेगरी डाल दो, वेस्ट बंगाल डाल दो, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मिल जाएगा, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेरामिक टेक्नोलॉजी IEM में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो डिफरेंट कॉलेजेस आप लोगों को दिखा देंगे। अगेन आई एम सेइंग कि 2020 के डेटा को ज़्यादा तवज्जो मत दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स हुई थी। कॉलेज भी शौक थी कि यार 50,000 में CS मिल गया, ये कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि 2020 वाज़न एक्सेप्शनल ईयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस एप्लीकेशन को आप लोग में से बहुत सारे बच्चे यूज़ कर रहे होंगे मुझे पता है, बट मैं बार बार अपनी वीडियो में नहीं बताता इसके बारे में, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी एडिशन करना बाकी है। आपको सबको पता है कि मैं अभी घर आ गया था, तो घर पे ही हूँ अभी 4-5 महीने से। वापस जाऊंगा जब कोलकाता, फिर हमारी एग्जामिनेशन है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। जब आपकी JEE मेंस JEE एडवांस की बारी आएगी मार्च अप्रैल तक, तब तक मैं ये एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से तैयार करूँगा। वैसे न्यूमरस फीचर्स हैं इसमें अभी, वैसे इन बहुत कुछ ऐड करना है यार, बहुत कुछ ऐड करना है।